बजाज प्लैटिनो 125 के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जी भाई, आपने सही सुना, बजाज प्लैटिनो, ना कि प्लैटिना। क्योंकि भाई इंडिया में जो आपको बजाज की जो प्लैटिना मिलती है वो आपको 110 और 100 सीसी के इंजन के साथ मिल जाती है, लेकिन भाई जो कोलंबिया है वहां पर इस गाड़ी का जो नाम है वो प्लैटिना नहीं है, वो है प्लैटिनो, जो कि भाई आपको गाड़ी वीडियो में अभी दिख रही है। और ये गाड़ी वहां पर 125 सीसी इंजन के साथ सेल होती है, जो कि भाई आपको वीडियो में गाड़ी साफ साफ दिख रही है कि आपको गाड़ी का डिजाइन और इंजन का डिस्प्लेसमेंट और गाड़ी का नाम क्या है। खैर, उसके बारे में छोड़ते हैं भाई। ये गाड़ी आपको बहुत ही जल्द इंडिया में भी मिलने वाली है। बजाज इस गाड़ी को अभी भी इंडिया में बनाता है, असेंबल करता है और विदेशों में सेल करता है, जैसे कि कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना में बजाज प्लैटिनो, प्लैटिना 125 सेल होती है, जो कि भाई ये गाड़ी वहां पर बहुत अच्छी सेल फिगर पा रही है, क्योंकि भाई इसका जो माइलेज है वो बहुत ही अच्छा है और ये गाड़ी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और भाई इस गाड़ी में जो है कोलंबिया में बजाज एलईडी के हेडलैम्प देता है, जो कि भाई बहुत बुरी बात है हमारे इंडिया के लिए। भाई बजाज जो है इंडिया में प्लैटिना में पल्सर में जो है हैलोजन के हेडलैम्प देता है, लेकिन भाई कोलंबिया में पता नहीं क्या दोस्ती बजाज की है, वहां पर एलईडी के हेडलैम्प देता है। बाकी भाई गाड़ी का जो टेल लैम्प है और जो इंडिकेटर है वो आपको मिल जाएगा सिमिलर हैलोजन का। और भाई फ्रंट में आपको मिल जाएगी डिस्क ब्रेक, रियर में आपको मिल जाएगा ड्रम ब्रेक, साथ में भाई आपको इंडिया में ABS मिल चुका है, लेकिन बजाज ने उसे अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। रियर में भाई आपको मिल जाएगा ड्रम ब्रेक, वहां पर भाई आपको जो है CBS का ऑप्शन मिलेगा भाई, जो कि कंबाइंड ब्रेकिंग होने वाला है। बजाज प्लैटिनो 125 में आपको 124.4 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा भाई, जो कि आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ। गाड़ी में आपको 11.8 HP तक का पावर फिगर मिलेगा और भाई इसका जो टॉर्क है वो आपको 10.8 Nm का मिल जाएगा भाई, जो कि आपको थोड़ा बहुत पॉइंट में आगे पीछे मिल सकता है। गाड़ी में आपको मिल जाएगा सिंगल सिलेंडर 5-speed गियर बॉक्स, जो कि भाई ये गाड़ी आपको ठीक ठाक माइलेज, परफॉर्मेंस, टॉप एंड और अचीव करा देगी। और भाई गाड़ी का जो लुक है वो आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इसमें भाई गाड़ी का जो टायर का साइज है वो आपको मिलेगा सिमिलर, इसके जो टायर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे ट्यूबलेस 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट में भाई आपको मिल जाएंगे टेलीस्कोपिक के फोर्क, जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और जो कि एंड्योरेंस ब्रांड के हैं। रियर में आपको मिल जाएंगे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, जो कि भाई 5-way एडजस्टेबल है विद नाइट्रो शॉक एब्जॉर्बर के साथ। और भाई गाड़ी की जो सीट है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है और बहुत ही कंफर्टेबल है। और भाई इंडिया की जो मोस्ट भाई बेस्ट बाइक है उसमें बजाज प्लैटिना का नाम आता है, जिसमें भाई बजाज प्लैटिना, स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्लस और HF डिलक्स भी आती है इन सब में। तो भाई ये उस कैटेगरी की बाइक है, जो कि ये गाड़ी मोस्ट फेमस, मोस्ट सेलिंग और मोस्ट माले वाली बाइक में से एक है प्लैटिना। तो फाइनली बात करते हैं बजाज प्लैटिना के प्राइस के बारे में। तो भाई ये गाड़ी अभी आपको इंडिया में जो है 110 सीसी इंजन के साथ एच गियर भाई जो आपको मिलता था उसका वेरिएंट आपको डिस्क ब्रेक के साथ 66,739 रुपए का इंडिया में एक्स शोरूम मिल जाता है, लेकिन भाई जब लॉन्च होगा 125 तो भाई प्राइस में आपको लगभग 8,000 रुपए तक का अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन भाई ये कंफर्म प्राइस नहीं है। तो भाई इतना प्राइस आप एक्स्ट्रा मान के चलो। तो बात करते हैं गाड़ी के लॉन्च के बारे में। तो भाई ये गाड़ी आपको अगले साल के शुरुआत तक मिलेगी, इस साल भाई गाड़ी का कोई भी चांस नहीं है। बजाज पहले से प्लैटिना में बहुत सारे अपडेट कर रहा है, अभी तो भाई प्लैटिना 125 तो अभी लॉन्च नहीं होगी। तो भाई आप लोग अगर चाहो तो प्लैटिना 125 का वेट करो, वरना भाई जाकर आप 110 परचेस कर लो या फिर आप परचेस कर लो 100 सीसी वाला वेरिएंट। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लाजवाब लगा होगा। लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।